हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बड़ा सैनिक शुगर कैन फार्म, यार जिसे हमें अनलिमिटेड एमिलर्स मिले। और गजर मेरा आर्मर देख लो किया तो यानी कि नया हो रखा है। गजर इसका रीज़न है मेंडिंग। गजर मैंने पूरे के पूरे आर्मर के अंदर मेंडिंग यानी कि हर चीज़ के अंदर यार अपनी मेंडिंग डाली है। और गजर यार ये ज़मीन को देख सकते हो, गजर ज़मीन भी मैंने यानी कि पूरी पूरी ग्रास वॉक से फील कर दिया। गजर यार जो मेरे बैग में एक्स्ट्रा स्लॉट बनी होती है, गजर उसको सबसे पहले मैं कम से कम देता हूँ। गजर बैग भरा हुआ गजर यार ये देख सकते हो, बैग वगैरह इसके मैं भर रहा था। गजर बहुत ज़्यादा बहुत हमारे गजर इस पूरी जगह में एक अभी मस्त हो गया। गजर यार अंडरमैन के काम देखो यार, अभी तक यार मैंने भरी नहीं। और गजर ये फिर आके यहाँ पे ब्लॉग लगा के चला गया। गजर यार ये काम अंडरमैन के, तुझे हमें पता है क्या करना है। आज के वीडियो में एक बिगेस्ट यानी कि शुगर कैन का फार्म बनाना है। तुझे इसके बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए मैं कलेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए, साथ में कुछ गोल्ड चाहिएगा, बाकी कुछ चीज चाहिए होंगी, वुड चाहिएगा। वुड तो काफ़ी सारा चाहिए होगा लेकिन यार मेरा पता नहीं पड़ा हुआ दिए कहीं कुछ चीज चाहिए होंगी। बाकी उसके बाद जरा वुड चाहिए होगा काफ़ी सारा। फिर तीन चीज चाहिए पूरी की पूरी मिली दो हॉपर। फिर उसके बाद गेजर हमें एक माइंड कार्ड, माइंड कार्ड के बाद आयरन, फिर रेडस्टोन काफ़ी सारा, ये तो बहुत कम है गाइस। और फिर ग्लास कुछ। तो गेजर यार यहाँ से हमें बनाना है सबसे पहले एक माइंड कार्ड विद हॉपर। तो गेजर यार एक बना लिया, उसके बाद हमें एक हॉपर बनाना है। तो दो हॉपर, एक माइंड कार्ड विद हॉपर। गेजर यार जो जो चीज़ें काम में आने वाली है गेजर मैं उनको अलग रखता हूँ नीचे की तरफ। उसके बाद गेजर हमें इससे बनाना है सारा का सारा गोल्ड, जितना गोल्ड भी बन सकता है। उसके बाद जब 24 गजर बहुत होंगी मेरे हिसाब से, और गजर यार मेरा सारा गोल्ड जाया गया। उसके बाद 48 एक बकरी बना दो। उसके बाद अभी हमें चाहिए 16 यानी कि बल्कि 60 पिस्टन्स गाइज। 60 खुद सोच सकते हो कितना लगेगा। ये 60 पिस्टन चाहिए हमें, साथ में कुछ और भी और चीज़ें भी चाहिए। जल्दी सारा का सारा कलर करके आप लोग मिलता हूँ दो मिनट के अंदर। उसके गजर यार मुझे अभी काफ़ी सारा रेड स्टोन चाहिए यानी कि 3 स्टैक के आसपास। और गजर यार मेरे पास 17 पड़ा और 3 स्टैक खुद चल सकते हैं। गजर अभी नीचे अपनी चेयर में आया गजर, मुझे यहाँ से यानी कि रेड स्टोन काफ़ी सारा यानी कि ढूंढ के अगर डायमंड मिल गया गजर और अच्छी बात है, डायमंड भी लेकर जाएंगे रेड स्टोन भी। और गजर यार इससे मेरी पिकैक्स भी रिपेयर हो जाएगी क्योंकि यार इसके अंदर लगी हुई है माइनिंग। और गजर अभी मुझे इसी टाइप से कुछ माइनिंग करनी है। गजर यार रेड स्टोन चाहिए यार, रेड स्टोन के लिए भी कितनी मेहनत अभी करनी पड़ रही है। ओ भाई साहब डायमंड, मुझे डायमंड मिल गया फ्री के, डायमंड हो भाई। गजर यार रेड स्टोन काफ़ी सारा चाहिए यार, 46 हो रखा है। तो मुझे डायमंड भी यार यहाँ पर मुझे मिलेंगे क्योंकि मेरे पिकैक्स में गजर फॉर्चून लगी हुई है। और गजर साथ में मुझे मिलेंगे, अबे यहाँ पे मैंने सोचा गजर लाओ है, गजर साथ में मुझे मिलेंगे डायमंड्स काफ़ी सारे और रेड स्टोन चाहिए। और गजर यार इसी टाइप से मुझे यहाँ पर माइनिंग करनी है कुछ देर। तो गजर माइनिंग करके आप लोगों से मिलता हूँ दो मिनट के अंदर, बस खाली दो सेकंड के अंदर। तो गजर काफ़ी ज़्यादा माइनिंग करने के बाद गजर मेरी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। और गजर कुछ है दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको भी मुझे भी, क्योंकि यार यार मेरे टॉर्चेज नहीं लेकर आया था। गजर अंधाधुंध माइनिंग कर रहा था। गजर जो सामने आ रहा था गजर मैं तोड़े जा रहा था। गजर रास्ता तो मुझे पता है कि कहाँ से जाना है घर के लिए। और गजर इस साइड यार उस साइड यार लावा का एक और पुल भी मुझे मिल गया गजर। फिर मैंने कहा कि क्यों ना यार अगले एपिसोड में यार हम अपना पोर्टल बड़ा करें। और गजर वो सामने देख लो लावा का पुल है। गजर डायमंड नहीं मिले यार और, लेकिन यार काफ़ी कुछ मिल गया। गजर माइनिंग भी काफ़ी ज़्यादा की यार, पिकैक्स डैमेज भी नहीं हुई, हेल्थ भी नहीं हुई वो इसलिए ताकि यार कि जब मैं ब्लॉक छोड़ रहा था काफ़ी सारे, तो दरमियान में जब मैं रेडस्टोन कलेक्ट करता था तो गजर ये वापस हील हो जाती थी। तो फिलहाल तो चलते हैं ये वाला रास्ता है हमारे घर के लिए। और गजर बाकी साइड पर मैंने काफ़ी ज़्यादा माइनिंग की है हर तरफ से। गजर यार ये देख सकते हो वुड यानी कि ये यार टोटल रेड स्टोन मैंने ये कलेक्ट किया है। 2 स्टैक 43 सार डायमंड मिले, 29 गोल्ड मिले। तो अभी सीधा मिलता है आप लोग उसे घर के अंदर। तो गजर यार कुछ पिस्टन के लिए यार कमी पड़ गई थी। और गजर यार मैंने यहाँ की यार जो यार यहाँ पे एक पेड़ था गजर उसको काट दिया यानी कि वुड की कमी पड़ गई थी यार पिस्टन बनाने के लिए। तो अभी चलते हैं और बनाते हैं जल्दी से पिस्टन। 60 पिस्टन चाहिए यार, थोड़ा सा वो चाहिए यार क्या बोलते हैं यार थोड़ी सी वो कर सकते आयरन। आयरन मेरे पास यार पूरा काम पड़ा हुआ है लेकिन अभी बड़ा नहीं जा सकता यानी कि मुझे नहीं जाना, वरना तो जा भी सकता हूँ मेरी मर्जी। मुझे यार सबसे पहले तो मुझे डेस्क को पूरा से पूरा खाली करते हैं। तो गजर यार मैंने सब कुछ जमा कर लिया, अभी जैसे यहाँ पे क्राफ्ट करते हैं पिस्टन को। था यार किस चीज़ की कमी पड़ रही है कि 32 क्राफ्ट हो रहे हैं, कोबलस्टोन की कमी पड़ रही है। नाइस
ये कॉलेज के लिए नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतने पढ़े हैं टेंशन लेने की बात है कॉलेज के लिए। अभी कितने क्रॉस कर रहे हैं, किसने 46, ओके तो जब इस सबसे पहले गए जाना मैं 46 को क्रॉस कर देता हूँ। 46 के बाद जाना हमें कुछ एक चाहिए, यानी कि टोटल 60 चाहिए, 60 पिस्टन 60 ऑब्जर्वर, इन दोनों को 2 मिनट के अंदर क्रॉस करके। बेशक अभी मुझे और रेड स्टोन भी लेकर आना पड़ेगा, मुझे एक स्टैक उसको बनाने के लिए भी चाहिए रेड स्टोन। तो ये जो भी हो मैं 2 मिनट के अंदर सब सामान जमा करके आप लोग से मिलता हूँ। गजर यार चैन की वुड की काफ़ी ज़्यादा कमी कर रही है, और गजर यार यहाँ पे मैंने अभी यार स्प्रूस का पेड़ काट दिया था, गजर उस तरफ से सैपलिंग गिरी, और गजर मैं अभी एक बड़ा वाला स्प्रूस का पेड़ यार यहाँ पे यानी कि उगा देता हूँ, फिर उसको काट देते हैं, गजर उससे हमें स्टैक ऑफ स्टैक वुड मिल जाएगी और हमारा काम भी बन जाएगा। अभी यहाँ पे बोन मिल मारूँ। सो गजर यार सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, गजर अभी हमें चाहिए नेदर क्वार्ट्स। तो गजर नेदर क्वार्ट्स को लाने के लिए हमें जाना पड़ेगा यार ऑब्जर्वर यार बनाने के लिए, हमें शायद नेदर क्वार्ड या रेड स्टोन, या रेड स्टोन तो थोड़ा मोटा यानी कि थोड़ा पड़ा, और गजर पिस्टन 60 क्राफ्ट हो चुके हैं। और अभी यहाँ पे ओ बी ऑब्जर्वर जैसे हम डायल करेंगे गजर यहाँ पे ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर के लिए यानी कि स्टोन तो मेरे पास इनफ है कॉबल स्टोन, उसके बाद यार रेड स्टोन थोड़ा सा कम है वो मैं लेकर आ जाऊँगा। लेकिन गजर ये यार ये नेदर क्वार्ड्स यार मेरे पास बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम क्वान्टिटी में पड़े हुए हैं गजर, कुछ पड़े हुए हैं यानी कि मिक्स है टू में। लेकिन गजर मैं सोच रहा हूँ कि 60 तो नहीं मिलेंगे, तो इधर इसीलिए सबसे पहले नेदर को पोर्टल चलता हूँ और काफ़ी सारे यानी कि माइन करके लेकर आ जाता हूँ 2 मिनट के अंदर। गजर कुछ इस टाइप से चढ़ना पड़ता है, और गजर अगले वाले एपिसोड में मैं ज़रूर अपना नेदर पोर्टल प्यारा सा बनाऊंगा। गजर अभी तो है मैं एक यानी कि छोटा सा बना और गंदा भी लग रहा है चलता हूँ नेदर पोर्टल पार्ट जमा करके। गजर यानी कि 60 तो गजर 2 सेकंड के अंदर ही कलेक्ट हो गए, गजर किसी यानी कि बुलाने यार सब पंगा भी नहीं लिया, मैंने काफ़ी कुछ कलेक्ट कर लिया। अबे जैसे यार वीडियो स्टार्ट की उसी टाइम यार इसको मुझे मारना था भाई, 64 हो गए और अभी हमें सीधा निकलना है अपने नेदर पोर्टल से बाहर। लेकिन यार बचूँ कैसे यार, ये जब छोड़ेगी तो तभी तो बचूँगा भाई। अबे ऊपर से वो भी मारेंगे, अल्लाह भी गिर गया भाई। मुझे इसके लिए यार अपने लिए सबसे पहले तो गजर एक सेफ एरिया बनाना पड़ेगा, सेफ एरिया बनाने के बाद मुझे यहाँ पर फंस जाना चाहिए, फिर इन सबको टपका देना चाहिए। क्यों ना गजर मेरे पास यानी कि सब कुछ है गजर यार, मेरे पास वो नहीं यार नहीं है गजर, मैंने सोचा कि अगर मेरे पास यानी कि इतना गोल्ड पड़ा हो ना गजर, मैं कुछ ट्रेडिंग कर लूँगी, टपका डालेंगे अभी यार छोड़ नहीं है गई, मुझे अभी इनसे छुप छुप के जाना पड़ेगा यार, ऊपर काफ़ी सारे हैं यार भाई, अब क्या करें यार। वो डीप फोन हो गया गजर, यही मौका है सीधा निकल लो अपने पोर्टल की तरफ। गजर वो देखो सामने भी नहीं क्वार्ट्स, लेकिन यार मैंने यहाँ पे पहुँच के अपने बैग से सीधा बेड निकालो और सो जाओ हमेशा के लिए गजर, इस टाइप से। और गजर यार साथ में ये वाली बुलाया यार मुझे फाइट करी गजर, इसको धो डालते हैं चलो। ओ भाई साहब कुछ न्यू टाइप के हीरोज मिल गए यार, इसको भी धो डालो, तू आ जा। अबे गाइस इसने तो कुछ दिया नहीं, अबे तू भी आ जा चल। हाँ यार ये तो ऐसे ही मर गई। ओ भाई साहब गजर हमारे पास यार बोन मिल की कुछ कमी थी, अभी अभी यार नहीं मिल रहा था, तो क्या डालूँ क्या डालूँ, क्या नीचे फेंक लूँ यार, वूल फेंक देते हैं। तो गजर यार हमारे पास हो चुके हैं अभी सब कुछ, तो जल्दी से क्राफ्ट कर देते हैं ऑब्जर्वर भी। तो बाकी नहीं 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 नो 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 प्लीज़ नो प्लीज़ नो 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 मेरे पास स्लोनेस का इफेक्ट है शिट, गजर इसको टपकाना पड़ेगा किसी तरीके से भी, क्योंकि यार मुझे अपनी जगह नहीं ब्लास्ट करनी इससे। अरे भाई यार ये स्लोनेस का इफेक्ट ख़त्म हो गया ना, अभी आ जा। नहीं यार गाइस फट गया, इस जगह को जल्दी से रिपेयर करता हूँ और सब कुछ इकट्ठा करता हूँ। गजर यार मैं कुछ कम ऑब्जर्वर का यानी कि इस्तेमाल करूँगा, ताकि कम यानी कि हमें चीज़ें कम लगे और गजर मटेरियल ज़्यादा मिले। तो यार इस टाइप का यार कुछ यानी कि जुगाड़ लगाऊंगा गजर यार। तो उसके बाद यार हमें चाहिए होगा 30 बहुत है गजर रेड स्टोन डस्ट कुछ चाहिए होगी गजर, जो कि यार कहीं पर यार मुझे यार नीचे तो नहीं मिली, लेकिन गजर फिर मेरे जहन में आया कि यार इधर पड़ी होगी कहीं ना कहीं पर, तो इधर जल्दी से रेड स्टोन डस्ट दुआ कर मिल जाए। ओ गाइस इधर तो काफ़ी सारी पड़ी यार, मैं उधर एम फालतू में माइनिंग करने के लिए गया था। तो गजर यार अभी अभी मैं माइनिंग करने के लिए जा रहा था, तो यार फिर जहन में आके यार यहाँ पे होगी। तो गजर यार अभी उसको क्राफ्ट करने के लिए हमें एक जगह ढूंढ लेनी है, सबसे पहले इसको तोड़ो। और गजर यार एक बार सोच रहा हूँ कि इधर बना लेते हैं इस जगह पर। सो गजर यार सबसे पहले हमें इस तरीके से स्ट्रेट यानी कि 2 लाइनें खींच लेनी है 30 तक। तो यार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इसी टाइप से खींचनी है। तो गजर यार आप लोग इसको एक बार काउंट भी कर लेना, यानी कि 30 पूरी होनी चाहिए। गजर इसके बाद हमें इस पूरी की पूरी जगह के अंदर भरना है वाटर।
फिर सबसे पहले मैं जल्दी से वाटर लेकर आके यानी कि भर लेता हूँ ये वाटर, वाटर भी वाटर भरना है तो जरा इस जगह को पूरा के पूरा वाटर से भर लेता हूँ दो मिनट के अंदर। सूरज यार दो बकेट चाहिए होंगे आपको यानी कि इनफ वाटर बनाने के लिए, आप लोग इनफ वाटर यहाँ पर बना लेना। अब यार बन के नहीं रहा भाई कुछ ही करके देख लिया एकदम से ऑटोमेटिक फिर हो जाएगा तो पूरा के पूरा आपको भर देना है एंड तक। तो जब ये करने के बाद यानी कि दोनों साइड ऊपर आप लोगों को इसको कवर कर देना है जितना आप कर सकते हो कुछ इस टाइप यानी कि वाटर के ऊपर ब्लॉक्स लगा देने हैं और जल्दी से पूरे के पूरे 30x30 यानी कि 60 ब्लॉक्स आपके लगेंगे। सगज यार मुझसे कुछ गलती हो गई थी यार खुद से बना रहा था यानी कि 3 ब्लॉक यार खींचने गए इस टाइप यानी कि किसी एक जगह पर यार वाटर डाल देना तो यार ये ऑटोमेटिक खुद फिल हो जाएगा। तो यार देख सकते हो ये ऑटोमेटिक खाली एक जगह पर आप लोग को वाटर डालना है। यार 3x3 है मेरे लिए सर मैंने 2 का कहा तो आप लोग को यानी कि इस 3x3 के ऊपर यानी कि आप लोग को भर देना है कोबल स्टोन। सो इसके बाद आप लोग को यहाँ से निकाल देना है अपने कुछ इस टाइप से इस साइड करके यानी कि मून का इधर दोनों साइड यानी कि कुछ इस टाइप से इस साइड अगर इस तरीके से लगा दिया ना गाइस यार उसी साइड यानी कि फिर इस साइड इस तरीके से लगा दो उधर एंड तक गाइस यार इस तरीके से मुझे यानी कि ये सारे के सारे 60 के 60 पिस्टन यानी कि 30 एक साइड 30 दूसरे साइड जल्दी से लगा देने। अरे तो ज़रूर यार ख्याल रखना कि इनका फेस इस साइड हो इस साइड हमारी तरफ इधर कुछ इस तरीके से आप लोग को लगा देना यानी कि हमारी तरफ देख के गाइस ये दो गलत लग गए इस तरीके से दरमियान में भी नहीं लगाने और जर इन सबको मैं जल्दी से लगाता हूँ दो मिनट के अंदर। सो गाइस यार इतना प्रोसेस करने के बाद गजर इस दरमियान में अगेन आप लोग को ब्लॉक्स फिल कर देना गजर एंड तक गजर इस दरमियान वाली जगह इसके अंदर ज़रूर ब्लॉक फिल करने वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो यार इधर आप कोई भी ब्लॉक यानी कोबल स्टोन भी यार फिल कर सकते हैं आपकी मर्जी है गजर। इसके बाद हमें काम आएगा ऑब्जर्वर का यानी कि फर्स्ट ईयर में सो जाता हूँ और ऑब्जर्वर कुछ उठा लेता हूँ। तो यार एक ब्लॉक छोड़ के यानी कि आप लोग को एक एक ऑब्जर्वर लगाए जैसे कि मैंने एक यहाँ पर लगाया एक यहाँ पर लगाया एक यहाँ पर लगाया एक यहाँ पर लगाया कुछ ही टाइप से सारों में लगा देने। सो गजर ध्यान रखना यार इस तरीके पीछे की तरफ से लगाओ ताकि उनका मुँह उस साइड हो यानी कि पिस्टन के मुंह की तरफ और गजर कुछ इस टाइप से ऊपर चढ़ के गजर सारू के सारू को एक एक छोड़ के यानी कि लगा देना गजर ये गलत लग गया यानी कि दरमियान में यानी कि आप लोग को यानी कि एक एक छोड़ देना है। तो गजर सारू के ऊपर एक लगा देना गजर 30 आपको चाहिए होंगे टोटल प्लीज़ एक भी नहीं जाया करना। तो सूर्य देख लेना क्या यानी कि ये सारे के सारे यानी कि एक दूसरे के इस तरीके से गजर आने चाहिए सारे के सारे। तो यार उसके बाद यार दरमियान में आप लोग को यानी किसी जगह पर रेडस्टोन डस्ट करना है और ये जो दरमियान में इस तरीके से गजर ये लास्ट वाला बेशक छूट जाए इसकी टेंशन नहीं लेनी। गजर उसके बाद यार ये जो शेडो वाली जगह ना गजर यहाँ पर आप लोग को भर देना है यानी कि ये बेशक आपको यानी कि जिस ब्लॉक से बनाना चाहते हो यार ये जो दरमियान वाली लायर है ना गजर इधर आप लोग को भर देना है सिंपल सा यानी कि रेडस्टोन डस्ट गजर हर तरफ भरना है ओके। सो गजर यार कुछ इस टाइप से यानी कि सारे के सारे जितने भी आप लोगों को ऑब्जर्वर दिख रहे हैं उधर सब के यार इसके ऊपर भी नहीं लगाना गाइस ये गलती हो गई यार 30 आप लोगों को यानी कि टोटल यार फिलहाल यानी कि स्टार्टिंग में यार मैं कुछ बिग बनाने का सोच रहा था यार फिर मेरे जहन में क्या जब यार हमारे पास चीज़ें अगर आप लोग के पास यानी कि मटेरियल कम है लेकिन यार ये वर्किंग तो सेम टू सेम उसी टाइप का करेगा यार ये कम मटेरियल से बनता है कुछ एक तो गजर ये यानी कि अभी इन सब यार इन सब के अंदर यानी कि ये डाल देना जल्दी से सबसे अंदर यार ये जो दो यानी कि इनके अंदर यार ब्लॉक्स डाल देना यानी आप डाल सकते हैं यानी कि मैं कोबल स्टोन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ लेकिन यार डीप स्लेट कुछ प्यारे लगते हैं तो यार इन सब का इस्तेमाल कर सकते हो और डायमंड ब्लॉक का भी कर सकते हो आपकी मर्जी है वो तो आप क्या मेरी पर डिपेंड करता है कि यार आपके पास क्या क्या चीज़ें आपके सर्वर के अंदर तो यानी कि वर्ल्ड के अंदर सॉरी। तो यार इस सब को करने के बाद आप लोगों को टेस्ट करने के लिए यानी कि एक के आगे जैसे ही लगाओगे और चेक करना कि सारे के सारे एकदम से खुलने चाहिए तो अगर ये सारे के सारे खुल रहे हैं जैसे ये खुल रहे हैं तो यार इसका मतलब ये आप लोगों ने फुल्ली सही बनाया है। तो यार यार इस साइड भी इसी तरीके से चेक कर देना गजर इसी के अंदर भी लगाओगे ना तो सारे के सारे खुलने चाहिए देख सकते हो उस साइड तक खुलने यार मैं आप लोगों को एक बार इधर भी ट्राई करके दिखा देता हूँ जैसे मैं इसके अंदर लगाऊंगा सारे के सारे खुलने तो इसका मतलब ये वर्किंग है यानी कि तोड़ूंगा अभी तो गजर ये सारे के सारे खुलेंगे। अब यार दिक्कत क्यों दे रहे हो मैं आप लोग को और बताता हूँ। सो गजर यार उसके बाद हमें चाहिए होंगे यानी कि 60 ये यार ये इसको क्या बोलते हैं गजर शुगर कैन 60 चाहिए होंगे गजर खुद सोच रहे हो काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में चाहिए तो इन सबको यानी कि बना लेना यानी कि शुगर आपके पास यानी कि बोन मिल है वर्ल्ड में पड़ा होता है गजर इसको इस तरीके से ऊपर मारना और यार आप लोगों को कम से कम 10 हड्डियाँ इसके अंदर लगेंगे और गजर ये अभी कलेक्ट कर लेता हूँ मेरे पास 20 हो गए जर मुझे 60 चाहिए तो गजर ये सब 60 कलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी गजर बोन मिल ला के। अभी यार इसके हाथ में एक बोन मिल है ये बोन मिल मेरा जर इसको मैं टपका डालूंगा ये मेरा बोन मिल ये गए दे दिया
एक फ्री में मिल चुका है। तो यार इसी तरीके से हम 60 बोन मिल जमा कर रहे हैं, यानी कि उगा कैन की बोन मिल यार सॉरी बोन मिल नहीं यार 60 शुगर कैन यार जमा कर देना है। अभी 30 यार इनके ऊपर लगाना है फिर बोन मिल मारना है। सो गाइस यार उसके बाद यार 60 बोन मिल जमा होने के बाद यानी कि यहाँ पर नीचे वाटर डाला हुआ है, तो इसका मतलब यानी कि यहाँ पर ईजिली आपका बोन यानी कि यार ये शुगर कैन लग जाएगा। तो यार इन सबको जल्दी से प्लेस कर देना है, जल्दी 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 इधर सबको करना है, ठीक है। एक को भी रहना नहीं चाहिए इधर, हर तरफ हर गली गली आप लोग को यानी कि ये प्लेस कर देना है यार दोनों साइड। यार 60 टोटल आप लोग का शुगर कैन लगेगा। तो यार इन सबको भी प्लेस करने के बाद मैं आप लोग को फिर इजी प्रोसेस गजर हार्ड यानी कि जो मुश्किल था ना गजर समझने के लिए वो हो चुका है गजर, अभी इजी रह रहे हैं। तो इजी भी यार कुछ हार्ड होने वाला है। तो गजर यार ये सब जैसे यानी कि आप लोग को एक भी 60 में से नहीं बचेगा। अबे तू गधे निकल। तो यार उसके बाद यार आप लोग को करना ये है कि एक ब्लॉक आगे यानी कि आप लोग को डीप करना है, यानी कि समझो यार एक ब्लॉक जैसे ही आप लोग इतना एक डीप करोगे ना गाइस यहाँ पे यानी कि ये जो इनकी नीचे लेयर नहीं है गाइस इसको आप लोग को फोड़ देना है, यानी कि तोड़ देना है समझो, फोड़ देना है जो भी करना है गाइस यार कुछ इस टाइप से कर देना। तो यार आप लोग यानी कि यहाँ पे ऊपर के ग्लास ब्लॉक आप लोग को लगा देने हैं, लेकिन यार यानी कि यहाँ पे यानी कि नीचे आप लोग को 2x2 का यानी कि अपने लिए फुल्ली चलने का यानी कि एरिया बना लेना है। यहाँ से आप लोग इसका चेकअप भी कर सकते हैं कुछ इस टाइप से जल्दी से। सो गाइस यार कुछ इस टाइप से यानी कि आप लोग को करना है यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका था अगर यार कुछ भी प्रॉब्लम आप लोग का इस तरीके से नहीं होगा यार, ईजी है बहुत ईजी यानी कि आपको यानी कि ये सिस्टम हो जाएगा। तो यार कुछ इस टाइप से यानी कि तीन यानी कि दरमियान में छोड़ने तीन यहाँ पे तीन छोड़ने के बाद हर तरफ से ये कर देना है। और गाइस यार इसको इतने जगह तक करना है यानी कि जहाँ तक यानी कि आप लोग का ये वाली चीज़ है गाइस यार इतना करने के बाद मैं आप लोग को यानी कि फिर यार आप लोग को कुछ इस टाइप से यानी कि उस साइड मुड़ जाना है। तो यार इसका मोड़ कहाँ पर चेक करता हूँ। सो यार इस तरीके से मुड़ने के बाद मैं आप लोग को और भी बता देता हूँ इसका प्रोसेस यार, ये जो यानी कि चेकअप यार मैं यहाँ से कर रहा था कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं खो दिया, तो उसको भी बंद कर सकते हो यार, अंधेरा हो गया टॉर्चेस लेकर आनी पड़ेंगी जगह के लिए। तो चेकअप करने के लिए सारा प्लान था। और गजर सबसे पहले आप लोग को अगर रात होगी तो उधर भी सो जाना है, ठीक है, कहीं पर भी सो सकते हो, ये हमारा वर्ल्ड है गजर यार। फिर यहाँ पर यानी कि मुझे कुछ टॉर्चेज यानी कि नॉर्मल वाली टॉर्च भी चाहिए होंगी, रेड स्टोन वाली टॉर्च भी चाहिए होंगी। सबसे पहले गजर कुछ टॉर्चेज बना के लेकर आ जाता हूँ। लीवर भी यूज़ कर सकते हैं गजर, लीवर इजी है यार, नॉर्मल यानी कि यार नॉर्मल वाली टॉर्चेज कुछ चाहिए होंगी। यार मेरे पास कोल तो काफ़ी कुछ ही ना हुआ था, ठीक है यार, जब मैं ये जगह फ्लैट कर रहा था गजर मैंने काफ़ी ज़्यादा कोल कलेक्ट कर लिया था, मेरे पास तो स्टिक्स पड़ी हैं पहले से ही। तो यार काफ़ी सारे इनसे टॉर्चेज बना लेता हूँ यार, एक स्टैक बहुत रहेंगी जल्दी से। जरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है आज, पता नहीं क्यों, चलो देख लेंगे। 52 बनने के बाद जल्दी से जाके उधर नीचे हर तरफ आप लोग को यानी कि उजाला ही उजाला कर देना है, रोशनी रोशनी यार। ये जो मैंने गलत खो दिया था, ठीक है, तो इसके बाद आप लोग को यानी कि यहाँ पे टॉर्चेज लगा देने जिससे नीचे की साइड लगाना, ठीक है गाइस, जिससे यानी कि आप लोग का फार्म कुछ भी ख़राबी ना आए इसके अंदर, उसके लिए नीचे की तरफ लगा देना। गजर यार यहाँ पे तीन ब्लॉक आप लोग को फिर से छोड़ देने जैसे कि ये, फिर उसके बाद आप लोग को अगेन इस तरीके से स्ट्रिप माइनिंग करनी है, वो किस तरीके से करनी है वो कुछ इस टाइप से। गजर समझ तो आ रहा है ना कि गजर, अगर समझ ना हो मैं आप लोग को एक बार समझा देता हूँ। गजर कुछ इस टाइप से आप लोग को बनाना है, ठीक है, तीन खाली यानी कि दरमियान में जहाँ पर वाटर है ना गजर वो वाले छोड़ के बाकी साइडों पर कर देना। और गजर इसको ले जाके यानी कि जहाँ तक वो वाला अटैच ना हो उसके साथ अटैच कर देना है, यानी कि रिंग बनाना है समझो। सो गजर यार कुछ इस टाइप से बेल्ट करना है, मैं आप लोग को समझा भी देता हूँ। गजर चेक कर लिया ना गजर कुछ इस टाइप से। सो यार उसके बाद ये जो मैंने रेल आप लोगों से बनाई थी ना गजर, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी यानी कि ये होपर, अभी यहाँ पे यानी कि हम लोग को कलेक्टिंग सिस्टम पूरा का पूरा क्राफ्ट कर लेना है। तो यार उसको करने के लिए सबसे पहले हमें यानी कि यहाँ पर कुछ डीलर डालना होगा, यानी कि कोनों पर कुछ इस टाइप से यानी कि काफ़ी ज़्यादा रेलवे ट्रैक, फिर दरमियान में ये, फिर ये यानी कि यार ये यहाँ पे एक रेलवे ये सब सिस्टम आप लोग को हर तरफ यानी कि साइडों पे बना लेना, जिससे आप लोग यानी कि ये माइंड कार्ड फास्ट भी हो और कुछ डैम यानी कि आप लोग को चीज़ें भी यार फास्ट ही आप लोग के लिए पहुँचे हैं। तो यार कुछ इस टाइप से यहाँ पे सारा के सारे आप लोग को लगा देने जितने लगा सकते हो, यार कुछ ज़्यादा ही नहीं लगे। तो यार सबके अंदर यानी कि कुछ इस टाइप से यार क्राफ्ट कर देने, फिर क्राफ्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से और, फिर कुछ इस टाइप से और, फिर कुछ इस टाइप से और, गजर काफ़ी सारा यार चाहिए यार, कमी नहीं गई यार फुल्ली यार, एक नहीं ज़्यादा नहीं कम हो भाई साहब, ओपी ये चैट में ओपी ओपी बैम कर दो गजर। अभी कुछ टाइप यानी कि यार इनके नीचे यानी कि जहाँ पे हम लोगों ने पावर वाले रेल लगाए ना गजर, उनको पावर देने के लिए आप लोग को यहाँ पे लगाने हैं।
को पावर देने के लिए आप लोग को यानी कि यहाँ पे लीवर लगा के उन सबके लिए ऑन कर देना है जर, हर तरफ से जहाँ पे भी ये पावर वाले रेल आप लोगों ने लगाए। मैं तो यानी कि ये आप मिक्स भी लगा सकते हैं, यानी कि इससे खाली आपके यानी कि रेलवे घूमने चाहिए बस, बाकी आप लोग की मर्जी। ये कुछ इस टाइप से बनाने के बाद आप लोग को अभी यानी कि कलेक्टिंग सिस्टम कहाँ पे बनाना है मुझे यहाँ पे जैसे कि बनाना है, इन दोनों को तोड़ने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को लगाने हैं नीचे की तरफ होपर्स। फिर होपर लगाने के बाद यहाँ पे यानी कि कुछ इस टाइप से ब्लॉक दो डिक कर देने हैं और कुछ इस टाइप से कर देने हैं। फिर यहाँ पे आप लोग को लगा देने हैं दो चेस्ट। फिर चेस्ट लगाने के बाद इन दोनों के ऊपर वापस इसे क्राउच करके यानी कि बैठ के वापस रेल लगा देना है। और फिर यहाँ पे ये माइन कार्ड का यूज होगा, तो इधर माइन कार्ड लगा के इसको धक्का दे देना है, यानी कि एक स्टार्टिंग में आप लोग को कुछ एक काम करना पड़ेगा। अबे यार चलना, मैं कुछ गलत जगह पे लगा दिया, कुछ आगे लगा देते हैं जी। यानी कि आप इसके ऊपर भी यानी कि एकदम से प्लेस कर सकते हो, तो अभी ये चलने लग चुकी है गजर। अभी हमारा फार्म यानी कि 90% कंप्लीट हो चुका है गजर। अभी ये यानी कि यहाँ से घूमने जब यहाँ पे आ गई गजर, अभी ये सब कुछ सिस्टम बन चुका है, तो गजर अभी हमें डेकोरेशन इसका करना है। डेकोरेशन कैसे करना है, डेकोरेशन यानी कैसे करना है, कैसे यार कुछ अजीब अजीब नहीं बोल रहा हूँ गजर। यानी कि आप लोग को कुछ यहाँ पे यार इस टाइप से तो नहीं, इसी टाइप से बना दोगे जर, आपकी मर्ज़ी है वो तो जर। यानी कि जो भी ब्लॉक यूज़ करना चाहते हो, मैंने स्टार्टिंग में ये बोल दिया था, तो जरा कुछ इस टाइप से यहाँ पे हर तरफ ब्लॉक्स लगा के, ठीक है आप लोग को ब्लॉक्स की कमी नहीं पड़ने वाली, ठीक है बहुत कम ब्लॉक्स मांगता है ये। और गए जर डेकोरेशन करने के बाद मैं आप लोग को और भी काम बता देता हूँ, बाकी भी यार कुछ काम बचे हो गए, कुछ काम अभी रह रहा है। तो जर यार उसके बाद आगे की तरफ आप लोग की मर्ज़ी, यानी कि ग्लास लगाना यार ज़रूरी है यार, यानी कि आप लोग को यानी कि अगर यहाँ पे आप लोग ग्लास लगाते हो तो प्यारा भी दिखेगा और ज़रूरी भी है। जल्दी से अभी ग्लास भी लेकर आता हूँ काफ़ी सारा, यानी कि स्मेल्ट करके होगा जर यहाँ पे ब्लॉक्स भी प्लेस कर देता हूँ। जो कि आप लोग के पास यानी कि नॉर्मली पड़े होते हैं गजर, कुछ इस टाइप से आगे की तरफ आप लोग लगा सकते हैं। मैं ये उस साइड यार जरूरी लगाने, यानी कि ये आप लोग की मर्ज़ी है गजर, कहीं पे भी लगा सकते हो गई यार। ये अगर आप लोग यानी कि इसकी जगह ब्लॉक भी लगा सकते हैं यार, ये ज़रूरी है, यानी कि ये प्यारे भी दिखते हैं, इससे आप लोग की फार्म भी अच्छा लगेगा और यार इससे आप लोग का फार्म भी दिखेगा भी। तो यार ये कुछ इस टाइप से पूरे के अंदर यार ये फिट कर देता हूँ गजर, इस साइड करने इस साइड भी करें, ठीक है भाई। यहाँ पर इस तरीके से एक बॉल लगा देना यार, इस साइड भी जल्दी से सारे के सारे ग्लास बना के फिल करके आप लोग से मिलता हूँ दो मिनट के अंदर। तो यार कुछ इस टाइप से यानी कि आप लोग को हर तरह ग्लास लगाने के बाद यार कुछ यानी कि इसके ऊपर यार आप लोग यानी कि ब्लॉक्स लगा देने यार प्यारे दिखने के लिए। ये यार ये काम सारा डेकोरेशन के लिए, ये आप ऊपर आप लोग की मर्जी यार ब्लॉक लगाना चाहते हो या नहीं भी। तो यार कुछ ब्लॉक लगा के इस तरीके से दरमियान में से भी फिल कर देना, हर तरफ से फिल कर देना भाई जब। ये डेकोरेशन का हिस्सा है, ये नहीं फार्म का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये आप लोग कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, वो आप लोग पे डिपेंड करता है, यानी कि आप लोग के पास ब्लॉक्स हैं कि नहीं है। यार डर्ट ब्लॉक्स भी लगा सकते हो, वो आप लोग की मर्जी है सिंपल। ना तो यार पूरे के ऊपर कुछ इस टाइप से, अबे यार नीचे नहीं गिरना था गाइस, ऊपर कैसे चढ़ूँ यार इसको फोड़ देता। अबे यार इसको कलर भी तो करना था गाइस, अगेन ऊपर जाना था खराब हो सकता है यार कुछ से। इसके यानी कि पूरे के ऊपर ये यानी कि साइड पे ब्लॉक्स प्लेस कर दें जल्दी से, इस पूरे के पूरे यानी कि यहाँ से ये स्टेट को भी भर के आप लोग से मिलता हूँ दो सेकंड के अंदर। तो गजर यार दरमियान में भी लगा देने का, जब मैं ब्लॉक्स उठा के लेकर आ गया अपनी जगह से गजर, कुछ इस टाइप से दरमियान में भी भर दें यार। मैं पता नहीं क्यों यार इतना ज़्यादा क्राउच पकड़ देता हूँ गजर, क्योंकि यार मुझे डर लगता है यानी कि यार अगेन गिर गया, ऊपर कैसे चढ़ूँ, अगेन ब्लॉक प्लेस करने होंगे। देख लिया चेक कर लिया गया कुछ ही टाइप से सारा के सारा। अबे यार ग्लास कैसे आ गई, डैम रहे ग्लास में से कैसे आ गया। चलो अगेन लगाते हैं, टेंशन लेने की बात नहीं, अभी इन सबको जल्दी से अभी तो दो मिनट के अंदर आप लोग को सारा का सारा प्रोसेस पता चल चुका है। अभी ये वर्किंग भी यानी कि वर्क करेगा आप लोग को, यानी कि डेकोरेशन का यानी कि मैं इसीलिए आप लोग को पता है, जबकि हमारे वर्ल्ड में कुछ भी बनता है वो डेकोरेशन के बगैर नहीं बनेगा। तो जल्दी से यहाँ पे सारा के सारा डेकोरेशन करके आप लोग से मिलता हूँ दो सेकंड। ठीक है इसका छत यार पूरा का पूरा बन गया यार, आप लोग कहेंगे कि हम पे टॉर्च लगा देने यार, ये आपकी मर्जी है गाइस, ये भी क्योंकि यार यानी कि हम पे मॉक्स वॉक्स कौन हो जाएंगे यार, कम भी लगा सकते हो लेकिन यार मैं तो ज़्यादा ही लगा रहा हूँ, क्योंकि यार डेकोरेशन चाहिए ये हर चीज़ के अंदर, एक ना चीज़ इनकी जो चाहिए उसके अंदर देख सकते हो। अरे यार अभी तक मैंने इसको पूरा का पूरा खाली
कंप्लीट करने के बाद भी जर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा यानी कि ये हमें बोन यानी कि ये शुगर केन दे रहा है। अगर अगर जैसे यानी कि मैं यहाँ पे अगर 10 मिनट भी ऐसे करूँ ना तो जर ये हमें कम से कम 500-600 शुगर केन ईजीली दे देगा। तो जर फाइनली हमारा ये फार्म कंप्लीट हो चुका है ना शीप कह रही है। हाँ चलो गाइस इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो शीप है ना। हाँ देखा मेरे तरह बड़े कह रहे लाइक ठोको उसको घास खाने देते हैं बेचारी में और तूने मेरी मदद की इसलिए मेरा घास खा ले इनकी ज़मीन का घास खा ले। बुजर यार ये मस्त लग रहा है। तो बुजर इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड हमारा फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। बुजर करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसे लगे वीडियो पर लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।